Hey, hi guys, what's up and welcome back. My name is Bhavin Panchal and आज हम लोग आए हैं मनोरी because ये vlog होने वाला है पूरा travel vlog और ये एक short weekend trip है और मनोरी जो है ये गोराय में पड़ता है, एक छोटा सा village है जिसको बोल सकते हैं हमें ये गोवन touch देता है. So ये कैसा है, क्या है, village कैसा है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, चलो. सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं अभी मारवे जेटी. यहाँ से हमें जाना होगा जेटी से, जो ये है, ये बोट से हम जाएंगे और गाड़ी जो होता है इसमें लेके जाते हैं वैसा. और ये गाड़ी का अंदर लोडिंग का ये लोग 5 रुपये लेते हैं एंड पर पर्सन का 15 रुपीज़ लेते हैं. और टिकट हमें यहाँ पे नहीं, मनोरी में जाके मिलता है और आते वक्त भी वहाँ से ही मिलेगा. सो ये हार्डली 5 मिनट्स लेगा ये बोट वहाँ पर पहुँचने के लिए, जो कि उधर ही है, सीधा है वो वहाँ पर. सो जो आगे का है वहाँ पे जाके बता दो आप लोगों को जो भी होगा. भाई यहाँ पे देखो, लोग ऐसे भी जाते हैं, घोड़े से भी जाते हैं एंड देन रिक्शास भी हैं यहाँ पे. लाइक ये देखो, रिक्शास खड़ी है. ये जो रिसॉर्ट आप बोलोगे वो रिसॉर्ट तक लेके जाएंगे. इनके कुछ चार्जेस होते हैं, वो ये ले लेते हैं. ये देखो भाई, यहाँ पे पार्किंग है. देन आफ्टरवर्ड्स ये शैक्स है 3 जहाँ पे तुम चिल मार सकते हो. देन उसके पीछे भी बोलो तो रूम्स है एंड ये रहा पूल. पूल है, बड़ा है, थोड़ा अच्छा खासा बड़ा ही है. देन आफ्टरवर्ड ये लंच के लिए यहाँ पे बैठ के तुम खा सकते हो. देन वो रेन डांस है सामने, ये भी सामने रूम्स है, सारे रूम्स है. और ये रिसेप्शन है, यहाँ पे रिसेप्शन है. सो हमारा रूम नंबर 210 एंड ये हमारा रूम है, छोटा सा रूम है बट ठीक है. ये कपल बेड है, टीवी दिया है, देन कबर्ड है, देन बैठने के लिए सोफा दिया है. देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे विंडो एसी है और ये विंडो ओपन भी होता है कि मैं एसी नहीं चाहिए, ठंडी का टाइम है तो विंडो ओपन कर दो. देन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हर एक जगह पर होता है वो वॉशरूम का. सो वॉशरूम क्लीन एंड नीट, सब कुछ ही है, अच्छा है वॉशरूम. एग्जॉस्ट दिया है, देन आफ्टरवर्ड्स क्लीन है एंड हीटर वर्क नहीं कर रहा है. सो गाइस, हमारा ये बोले तो एक सडन प्लान था ये वीकेंड के लिए, तो इसके लिए हम लोग ने इतना रिसर्च नहीं किया था इस रिसॉर्ट के ऊपर. हमें जो फ़ोटो भेजा गया था वैसा रूम्स नहीं है. सो मैं आप लोगों को यहाँ पर जाके आगे और 2 दिन अच्छे जो रिसॉर्ट्स होंगे उनके नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. एंड इफ़ अगर आप लोग बॉयज़ हो, आपको बजट में आना है तो आप यहाँ आ सकते हो. बजट स्टे के लिए ठीक है और मेरे को भी यहाँ पे ओके ओके लगा है. आई कांट से कि ज़्यादा अच्छा है या बुरा भी नहीं है. तो गाइस, यहाँ पे लंच पे बोले तो सलाद है, देन आफ्टरवर्ड्स चिकन मसाला है, पापड़ है, राइस है, दाल है एंड दिस इज पनीर मसाला एंड रोटी. खाना अच्छा, फूड इज गुड. गाइस, मनोरी का बीच सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के डिस्टेंस पे आता है. रिसॉर्ट से 2 मिनट के डिस्टेंस पे है बीच. सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं मनोरी बीच पे. अभी बीच क्लीन है काफ़ी, वीकेंड की तरह लाइक सब लोग आ रहे हैं, चिल मार रहे हैं. एंड सच्ची बोले तो यार, मैं
बहुत अंदर आया हूँ, पहली बार किसी ने बीच पे बाइक चलाया होगा जैसे मैं आया हूँ, क्योंकि बस आप लोगों को ये पानी दिखाना था। ये देखो बहुत अंदर है, समर के वजह से काफ़ी अंदर चला गया पानी। वहाँ पे तो पानी भी नहीं था, यहाँ पे पानी है तो बट अंदर है। तो ये बीच है, लाइक यू कैन स्पेंड योर कॉलेज टाइम। मॉर्निंग में ऐसा दिखता है। ये देखो ये रहा मनोरी जेटी, यहाँ पर पर्सन का 15 रुपीज़ लेता है, गाड़ी का 10 रुपीज़ लेता है, और अंदर भी एक लोडिंग के लिए इन्हें 5 रुपीज़ देना होता है गाड़ी का। और ये देखो ये रहा टिकट, ये मनोरी जेटी है, 10 रुपीज़ गाड़ी का है, 15 रुपीज़ पर पर्सन का है। सो गाइज दिस इज़ एंड ऑफ अ शॉर्ट ट्रिप टू मनोरी, एंड आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताना। हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया, भले रिसॉर्ट ओके ओके था फिर भी हमने बहुत अच्छा इन्जॉय किया है, फूड एंड ऑल सब खाए अच्छा लगा, एंड बीच का फोटोज़ भी बहुत मज़ा आया। एंड सेकेंड थिंग गाइज, आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो सो प्लीज़ कमेंट करो, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। एंड आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड Thanks for watching. I'll be back with my new video soon.